अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन के भाई को टिकट मिली है बीजेपी की, वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। दरअसल महाराष्ट्र का एक बड़ा डॉन दाऊद के अलावा भी है, जो कभी साथी रहा और बाद में विरोधी बन गया था। छोटा राजन मोदी की सरकार के टाइम पे ही वो गिरफ्तार करके लाया गया भारत। और ऐसे में छोटा भाई है दीपक निकलजे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सतारा से फल्टन सीट पर आरपीआई ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है, लेकिन वो कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में मैं दीपक के बारे में बता दूं, दीपक आरपीआई का पहले से सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी है जो एनडीए गठबंधन में शामिल है, केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले और अक्सर अपनी कविताओं के चलते बड़े चर्चा में रहते हैं। ढेर सारे दलित समर्थक हैं उनकी पार्टी के, और ऐसे में आरपीआई महाराष्ट्र में अपना स्थान रखती है। और आरपीआई के बारे में एक और खास बात यह है कि उसे 6 सीटें मिली हैं इस गठबंधन में, और शर्त यही है कि वो कमल के चुनाव चिन्ह पर ही उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो दीपक निकलजे के बारे में मैं बता दूं, छोटा राजन का भाई है लेकिन आम तौर पर की छवि उस तरह की नहीं है, कुछ छोटे मोटे रंगदारी के और आपराधिक केस के मामले में चर्चा में रहा है। दीपक 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, चेंबूर लोकसभा सीट से मुंबई की, और तीनों बार यानी 2004, 2009 और 2014 में वो हार चुका है। ऐसे में आरपीआई ने इस बार उसको चेंज करने का आइडिया दिया कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए और अपनी मनपसंद सीट पर लड़िए। तो उसने सतारा की फल्टन सीट चुनी, अपना इलाका है वो छोटा राजन का, दीपक का। ऐसे में ये भी जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर एनसीपी का कब्जा पिछले 2 बार से रहा है और वहाँ दीपक चौहान एनसीपी के विधायक हैं। ऐसे में दीपक निकलजे के बारे में एक और चीज़ चर्चा में आई थी कि जो संजय दत्त की मूवी थी वास्तव, उसमें दीपक का पैसा लगा था, ऐसे आरोप लगाए गए थे। ऐसे में दीपक लगातार छोटा राजन से जो रिश्ता है उसके चलते चर्चा में रहा ही है। तो आरपीआई से जुड़ने के बाद उसको और चर्चा मिली। अब क्योंकि कमल के निशान पर वो सतारा की फल्टन सीट से चुनाव लड़ेगा तो मुकाबला दिलचस्प होगा, दो दीपक के बीच में लड़ाई होगी। तो ऐसे में कौन सा दीपक जलेगा इस बारे में आपको अपडेट करेंगे कि ऐसी स्थिति है, उस सीट की स्थिति बताएंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।